नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के चूनी इंदौर पुलिस ने तमिलनाडु के ज्वेलर व्यापारी से ठगी करने वाले दोनों ही आरोपियों को रतलाम से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इंदौर लेकर आई है। दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। वहीं पुलिस ने ठगी किए गए जेवर भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल में पुलिस दोनों ही आरोपियों से अन्य ठगी की घटनाओं के विषय में पूछताछ कर रही है। इंदौर के चूनी इंदौर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक होटल में तमिलनाडु के ज्वेलर का व्यापार करने वाले श्रीनिवास नायडू के साथ इंदौर के रहने वाले दो लोगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही आरोपियों ने ज्वेलर को ऑर्डर देकर ज्वेलरी तैयार करवाई और इंदौर बुलवाकर उससे बड़ी ही शातिर तरीके से ठगी कर जेवरात लेकर फरार हो गए थे। ज्वेलरी की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद से पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी, दोनों ही आरोपियों को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी सर, जुनिन का भी एक मामला है सर। 21 नवंबर को फरियादी श्री श्रीनिवासन नायडू निवासी कोयम्बटूर तमिलनाडु के द्वारा थाना जूनी पर एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें दो युवकों द्वारा उससे ऑर्डर देकर गहने बनवाए गए और वो गहने बनाकर कोयम्बटूर से इंदौर आया। आरोपियों ने उससे गहने ले लिए और उसको पैसे नहीं दिए, उसको घुमाया, उसके बाद छोड़कर भाग गए। फरियादी की शिकायत को गंभीरता से लेकर सीएसपी जूनी श्री देशेश अग्रवाल को इसकी पतारसी के लिए निर्देशित किया गया था। श्री देशेश अग्रवाल और उनकी टीम द्वारा दोनों आरोपियों जिन्होंने फरियादी के साथ धोखाधड़ी की थी, उनको रतलाम से पकड़कर हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर दोनों ने जुर्म स्वीकार किया। फरियादी से लिए जेवर उन्होंने गला दिए थे, तो वो सोना तथा फरियादी द्वारा दी गई चैनें, चांदी की चैनें भी दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस के द्वारा बरामद करने में सफलता अर्जित की है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक अन्य प्रदेश का व्यक्ति जिसके साथ इंदौर में मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी हुई थी, पुलिस की तत्परता से न केवल उसको न्याय मिला बल्कि उसका पूरा सामान भी माननीय न्यायालय के माध्यम से पुलिस उसको वापस करा रही है। जिससे कल जब मेरी उससे चर्चा हुई, मैं मिला थाना जूनी में जाकर, तो वो बहुत खुश था और मध्य प्रदेश पुलिस का शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।